आज 22 जनवरी का पावन पवित्र दिन है। आज भारतवर्ष में सोने का सूर्य उदित हुआ है। 500 वर्षों के बाद में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या में तो क्या पूरे विश्व में मानो त्रेता अवतार हो गया है। भगवान राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से अयोध्या में, क्या पूरे विश्व में, अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में, जगह जगह पर हो रही है। आज बहुत बड़ा उत्सव जो विश्व में कभी नहीं मनाया गया, भारत में कभी नहीं मनाया गया, ऐसा बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हम सब लोगों को जो है अपने घरों के अंदर अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम जी की पूजा अर्चना स्तुति वंदन आरती करनी चाहिए और पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए और जो है राम चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, जय जय श्री राम जय हनुमान, जय जय श्री राम जय हनुमान जपना चाहिए और एक दूसरे का मुंह मीठा करना चाहिए। आज तो भैया नई दिवाली आ गई है, आज पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरे विश्व में नई दिवाली आ गई, क्योंकि राम अवतार राम जी की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मूर्ति भी ऐसी है जो विश्व में कभी नहीं हुई। राम जी की मूर्ति, चारों और दशावतार की जो है मूर्तियां, और पूछो मत, इतना धूमधाम से अयोध्या में जो है ये त्योहार मनाया जा रहा है, मानो त्रेता युग का ही अवतरण हो गया है। राम जी का अवतरण क्या, त्रेता युग का ही अवतरण हो गया है। इसलिए आप घर घर आनंद मनाए, नाचे कूदे, जय जय कार करे राम जी की, गुलाल उड़ाए, अभी गुलाल उड़ाए, जय जय सिया राम आरती जी करें, मौज करें, और अगरबत्ती गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि 56 भोग लगाए। राम जी को कितने प्रकार का 56 भोग लगाए और राम जी की आरती करें, आप स्वयं मीठा मुख करें, अपने समाज के मंदिर में, गांव के मंदिर में सजावट करके, और ये जो त्योहार है प्रतिष्ठा प्रतीक का राम जी का, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाए, ताकि युग युग तक जो है स्मृति बनी रहे कि राम जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की गई, युगों तक जो है उनकी जय जयकार होता है रहे। क्यों, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, और अति चेतन भूमि में विराजने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। इनके समान और कौन विश्व में देवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सतपुरुष है और ईश्वर के भी ईश्वर हैं। इसलिए आज हमें धूमधाम से जो है 22 जनवरी अभिजीत मुहूर्त के समय में अपने घरों में बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए। शाम को दीपक लगाइए, घरों में रोशनी कीजिए, जैसे नई दिवाली ही धराधाम पर अवतरित हो गई है। और 23 तारीख को रामा श्यामा कीजिए, एक दूसरे घर जाइए, अभिनंदन वंदन कीजिए, मीठा मुंह कीजिए और राम धुन लगाइए, राम धुन, राम 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 जप कीजिए। मैं श्री राम जी के अवतरण का वर्णन कर रहा हूँ। देखो, इस धराधाम पर जो है असुरों का बहुत अत्याचार बढ़ गया था। असुर लोग नरों को मार रहे थे, नर संस्कृति को खत्म कर रहे थे, और जो है ऋषि मुनियों को आश्रम में ढूंढ ढूंढ करके उनका श्रृंगार कर रहे थे, उनका नाश कर रहे थे। आश्रमों में, जंगलों में, शहरों में जो है नरों का, ऋषि मुनियों के कंकाल का ढेर लग गया था। माता जो है पृथ्वी बहुत दुखी हो गई थी, धराधेनु के जो है दुखी होकर के भगवान विष्णु ब्रह्मा के पास में पहुंची। ब्रह्मा और सब देवताओं ने मीटिंग की और मीटिंग करके कहा, भाई अपन चलो विष्णु भगवान के पास, उनको अरदास करते, प्रार्थना करते। सब विष्णु भगवान के पास गए, शिव सागर में
सोए हुए थे, उन्होंने अपने शैया को त्याग करके शिव सागर के किनारे पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और तब जो है हाथ जोड़ करके सब लोगों ने भगवान की अभिवंदना करके और अपनी स्तुति करके अपना कष्ट बताया, प्रभु असुरों का श्रृंगार करो, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म ध्वजा खत्म हो जाएगी, इसलिए और नरसंहार हो रहा है। तो सब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो भाई, मैं राजा दशरथ जो है अयोध्या के राजा होंगे त्रेता युग में, उस समय में मैं उनके घर पर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, यह मैं उनको वरदान दे चुका हूं पूर्व जन्म। तो अब तुम चिंता मत करो, आप अपने अपने स्थान पर पधार जाइए और जो है मैं अवश्य उतार लूंगा। तो त्रेता युग में दशरथ जी के अयोध्या में उनके तीन रानियां थी नहीं, दशरथ जी के कौशल्या, दूसरी सुमित्रा, तीसरी केकई। तो जो है चेत चेतनम मंगलवार, देखो दिन भर सूर्योदय हो रहा था, उस समय तो स्वर्ण का सूर्य उदय हो गया अयोध्या में, मंद मंद शीतल मलयालन बहने लगा और जो है आकाश में सब देवता आ गए। तो चेत चेतनम मंगलवार, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मंगलवार और पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न और पांच ही ग्रह का संयोग, कितने जब पांच ग्रह का संयोग होता है तो उसका अर्थ है सारे संसार में कल्याणमय कार्य होगा। तो ऐसा शुभ मुहूर्त के अंदर के और अभिजित मुहूर्त, कौन से मुहूर्त में अभिजित मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त मतलब 12 बजे दोपहर का मध्यान्ह काल कहलाता है ना, वो अभिजित मुहूर्त कहलाता है। सबसे अच्छा से अच्छा मुहूर्त है, इसके अंदर जो भी कार्य किया जाता है वो सिद्ध होता है। तो वचेत चेतनम मंगलवार, करक लगन लगी नवी उजियारा, बड़े रानी पुलकी दोपहरा, बड़े रानी कौन सी बड़ी रानी थी दशरथ जी की, कौशल्या, वो दोपहर के समय बड़ी प्रसन्नचित्त हो गई, आनंदित हो गई, परमानंद उसको प्राप्त हो गया और उनके रतन गर्भ से भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ और सारे संसार में आनंद हुई, आनंद की लहर फैल गई। सिंधु हिलोल गिगनमत झूले, सात ही समंदर इस तरह से हिलोलित होने लगे, सिंधु हिलोल गिगनमत और आकाश अष्टाकाश, कितना आकाश अष्टाकाश भी झूमने लगा, नाचने लगा, आनंद भाव विभोर होकर के आनंदित होकर के नाच। सिंधु हिलोल गिगनमत झूले, मेरु किलोल सरित नद कुले, नदियों के किनारों पर पर्वत मेरु पर्वत भी नाचने लगा और चारों ओर जो है आनंद की लहर ही लहर व्याप्त हो गई। अरे सूर्य भगवान ने भी अपना रथ आकाश के अंदर रोक दिया था, वो भी भगवान का, सब देवता तो अपने अपने जहाजों में बैठ करके, देव यानों में बैठ करके भगवान के दर्शन करने के लिए वहां अयोध्या में उपस्थित हो गए। आकाश वायुवानों से पट गया था, सब देवता सुमन की बरसात कर रहे थे, जय जय श्री राम जी की जय जयकार कर रहे थे और स्तुति वंदन कर रहे थे और जो है आनंद ही आनंद था। लेकिन एक बात और है, भगवान श्री राम जो विष्णु भगवान ने क्या कृपा हुई विष्णु भगवान की, तब उन्होंने वरदान दिया था ने देवताओं को और भगवान शंकर को, वो आज प्रसन्न हो गए, सब नाचने लगे, सब देवता भी आनंद से नाचने लगे क्योंकि उनकी मन की मनसा पूर्ण होने जा रही थी। वो सब सोच रहे थे अब असुरों का नाश हो जाएगा। तो भगवान जो प्रकट हुए ने, माँ के पास दिव्य दृष्टि थी, माता कौशल्या, अपने जो दो आंखें हैं ये तो लौकिक आंखें हैं, माता तो लौकिक थी के, तो उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, लेकिन राम जी के अवतरण होते ही माँ को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और दिव्य दृष्टि राम जी ने उनको चतुर्मुख रूप से दर्शन, चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में थी और जो है वो दर्शन माँ को दे। तो माँ ने हाथ जोड़ करके अरदास किया भगवान राम जी से, अरे प्रभु आप तो देवों के देव हो, आप तो मेरे बालक रूप में
शिशु रूप में जो है मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान राम जी ने कृपा की माँ के ऊपर और तुरंत जो है चतुर्भुज रूप उन्होंने लोप हो गया और बाल रूप प्रकट श्री रामा, श्री राम जी एकदम माँ के आंचल पे, मातेश्वरी ममतामय माँ कौशल्या, जगत जननी माँ कौशल्या के जो अंक में किस रूप में बाल रूप में प्रकट हो गए भगवान राम जी। और वो 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 जो है रुदन करने लगे। माँ तो आनंदित हो गई, माँ तो मान लो त्रिकोणी की नाथ को दर्शन करने लग गई। मोर पंख उनका श्याम वर्ण था, कैसा वर्ण था, मोर पंखी, मोर के पंख होते हैं ना नीलम है, वैसा उनका स्निग्ध और बिल्कुल स्निग्ध सुंदर था। और जो है जुगला पहना हुआ था, पीतांबर धारण किया हुआ था और सुंदर से सुंदर रूप श्री राम जी छटपट छटपट किसकी गोद में कर रहे हैं, माता कौशल्या के अंक में कर रहे हैं। और माता तो रोमांचित हो रही है भगवान के दर्शन करके, है भगवान का उसके अंक में अवतरण हुआ, उसके गर्भ से अवतरण हुआ, तो क्यों नहीं मान लो उसको तीन लोक का राज मिल गया। और देवताओं को तो ऐसी प्रसन्नता हुई, इंद्र वगैरह सबको, तो उनको तो राज ही मिल गया और इतने आनंदित संसार हो गया कि बस पूछो मत। देवता तो आनंद से झूमने लगे, शूर नर किन्नर यक्ष गंधर योगी यति सिद्ध विद्याधर किम पुरुष राजर्षि महर्षि दृष्टि ऋषि और जड़ चेतन सब जो है नाचने लगा था। राम जी का अवतरण जिस समय में हुआ अभिजीत मुहूर्त में, उस समय में मंद मंद जो आकाश में गर्जना होने लगी थी, मंद मंद मानो अमृत की बरसात होने लग गई। पुष्पों की तो वर्षा देवता कर ही रहे थे लेकिन अमृत की बरसात भी जो है वह होने लगी। तो ये आनंदमय स्वरूप भगवान श्री राम जी का उत्तरण का पल था भाई। ऐसा ही जो है नया 500 साल ये दूसरों ने हमारे राम जी के मंदिर को नष्ट कर दिया था ऐसे स्थान को, लेकिन आज 500 वर्षों के बाद में पुनः राम जी का जो है 22 तारीख, आज 22 तारीख है और फिर राम जी का उत्तरण मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्ति हो रही है और श्याम वर्ण की मूर्ति है। और सबसे बड़ी बात तो मूर्ति के चारों ओर 10 अवतार की मूर्तियां है और नीचे कमल के फूल के ऊपर जिसके अंदर 9 रत्न मणियां है उनके ऊपर भगवान श्री राम जी के चरण कमल अभिमंडित होंगे। राम जी के जो है नेत्रों में जो पट्टी बंधी हुई है वो खुल जाएगी और सब लोग नाचने लगेंगे अयोध्या के अंदर। आज वही त्रेता युग का जिस समय राम जी का उत्तरण हुआ था 10 घर पर, वैसा का वैसा वातावरण आज अयोध्या में हो रहा है और सभी लोग आ रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, आनंद गीत गा रहे हैं, राम धुन लग रही है, राम चालीसा का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सुंदर कांड का पाठ हो रहा है, राम जी की आरती हो रही है, चारों ओर गीत स्तुति वंदन अभिनंदन वंदन हो रहा। बोली आज भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में राम जी के अवतरण का जो है अवसर त्योहार मनाया जा रहा, गली गली सज गई है, घर घर सज गया है, हाट बार सज गया है, तोरण द्वार लग गए हैं और हाथियों के अभिषेक हो रहे, राज पंथों के ऊपर पुष्प मालाएं पुष्प छिटके जा रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय